एक महात्मा के पास गया, महाराज जल्दी से धनवान बन जाऊं, कोई ऐसा प्रयोग बताओ। महात्मा जी ने एक दुर्गा जी की छोटी सी मूर्ति उसको दे दी, लो पूजा करना, माता तुम्हारा कल्याण करेगी। दुर्गा जी की मूर्ति लेकर घर आया, चौकी पर बड़ा सुंदर आसन पर पधराया, स्नान कराया, वस्त्र बढ़ाया और षोडशोपचार से विधिवत पूजन किया, आरती करी, प्रसाद चढ़ाया, आरती सब कुछ किया। अब करते 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 उसको 2.5 साल बीत गया, 2.5 वर्ष, परंतु घर में कोई भी बदलाव नहीं आया, जैसा था परिस्थिति वैसी ही रह गई। अब उसके मन में आया कि 2.5 साल तक इसकी सेवा की, हमको कुछ मिला ही नहीं, हम क्या करें। अब वो दूसरे महात्मा के पास गया, महाराज कृपा करो, कोई ऐसा प्रयोग बताओ, जल्दी से धनवान बन जाऊं। इसके पहले कहीं मैं गया था, उन्होंने दुर्गा जी की मूर्ति दी थी, पूजा करके कोई फायदा तो हुआ नहीं। महात्मा जी दूसरे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, लो इस बार गणेश जी की मूर्ति ले जाओ। दूसरे महात्मा ने गणेश जी की मूर्ति दी, पूजा करना विधिवत सब मिलेगा, कलौ चंडी विनायको ले आया घर में, जहां दुर्गा जी की मूर्ति थी जिस सिंहासन पर, उसको वहां से उठाया, उठा करके दुर्गा मैया को कोने में पटक दिया कि कुछ दिया नहीं, कंजूस नहीं है एकदम बेगो। अब गणेश जी को वहां पधराया, चकाचक गणेश जी को स्नान किया, भोग लगाया, वस्त्र पहनाया और धूप लगाया, बड़े बड़े लड्डू, अच्छा भोग लगाया। अब आरती से पहले वो अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती जलाकर गणेश जी को वो भोग लगा रहा था, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डवन को भोग लगे संत करे सेवा, कर रहे थे। तभी ध्यान गए, ओ ये अगरबत्ती तो दिखा रहे गणेश जी को, और अगरबत्ती का धुआं जा रहा है उस कोने में जहां वो बैठी है, कौन, जिसने 2.5 साल तक कुछ नहीं दिया मुझे, इस कंजूसनी बुढ़िया को कुछ नहीं देना है, उसने जो है देखा कि धुआं जा रहा है, उसने रुई लिया, भीतर जाकर रुई और दुर्गा जी की नाक में रुई ठूसने लगा लकड़ी से, कि इसको अगरबत्ती का धुआं भी नहीं लेने देंगे। अब जब वो लकड़ी से दुर्गा जी की नाक में रुई ठूस रहा था, तब दुर्गा जी प्रकट हो गई, खिलखिला के हंस गई। अब उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, अरे ये क्या। दुर्गा जी ने कहा कि मांगो बच्चा, क्या तुम्हारी इच्छा है। बोले वो तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताइए कि 2.5 साल तक पूजा प्रार्थना किया, आप प्रकट हुए नहीं, आज तो हमने आपके दाना पानी सब बंद कर दिया, फिर आप कैसे प्रकट हो गए, कैसे खुश हो गई। दुर्गा जी ने कहा बेटा तू 2.5 साल से पूजा कर रहा था, लेकिन आज तुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं धुआं भी लेती हूं, समझ गए। इससे पहले तू खाली मुझे पत्थर की मूर्ति समझता था, इसीलिए तेरा उद्धार नहीं किया, आज तुझे एहसास हुआ कि तुम जो मुझे भोग लगाते हो मैं स्वीकार करती हूं, तभी तो तुमने आज धुआं रोका है। यदि यह तुझे प्रथम दिन एहसास हो जाता कि तुम्हारा दिया गया प्रसाद मैं स्वीकार करती हूं, तो प्रथम दिन से ही तुम्हारा उद्धार हो जाता। जब तक हम ठाकुर जी को, जब तक हम भगवान को केवल पत्थर की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, कोई कहता है कि महाराज जी सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, कभी कल्याण नहीं होगा। सोना हो, चांदी हो, अभ्रक हो, पारा हो, नीलमणि हो, क्या फर्क पड़ता है? है आपकी भावना तो कीमत में चली गई ना, कि ये 10 लाख की मूर्ति है साहब, कितने की। कुछ लोग तो बोल भी देते हैं कि 2 लाख में लाए, 10 लाख में लाए, तो आपका भाव भगवान में नहीं है, भगवान को कोई खरीद सकता है क्या?
मूर्ति का भाव हटाइए, ये भाव लाइए, ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात है, तभी तो प्रकट होंगे। भगवान तो खंभे में से भी प्रकट हो जाते हैं, भाव लाना पड़ेगा।